हेलो, नमस्ते। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके। अक्सर लोगों को चॉकलेट सॉस अपने पैनकेक्स के ऊपर, मीठे चीलों के ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर, टोस्ट के ऊपर पसंद होते हैं। पर क्या आपको मालूम है, सिर्फ दो या तीन जरूरी चीजें होने से आसानी से आप चॉकलेट सॉस घर पे बनाइए और आपको पता है कि आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को बेस्ट से बेस्ट खिला रहे हैं। तो देखिए क्या हैं वो चीजें जो आपको चाहिए होंगी आप चॉकलेट सॉस बनाने के लिए। लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम चीनी लेंगे और इसमें मिलाएंगे चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर जो कि बिना चीनी वाला है। एक चुटकी नमक भी डालिए, इससे चॉकलेट का फ्लेवर और उभर के आएगा इस सॉस में। इसमें थोड़ा पानी डालिए और अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए और ये एक अच्छा सामान्य घोल बन जाना चाहिए, इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, तभी आप अपनी गैस ऑन करिए और इसमें डालिए मक्खन। और हाँ, आँच रहेगी एकदम धीमी और आप इसे लगातार हिलाते रहेंगे तो करीब 5 मिनट के बाद आप महसूस करेंगे कि ये चॉकलेट सॉस थोड़ी गाढ़ी होने लगी है, पर आप हिलाते ही रहेंगे और आँच रखेंगे धीमी। आप देखेंगे कि ये चॉकलेट सॉस उबल रही है। जी हाँ, इस सॉस में उबाल आएगा पर धीमी आंच पर। उबाल का मतलब है कि सॉस हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। इस समय इसमें डालना है थोड़ा सा वेनिला एक्सट्रैक्ट और 1 मिनट और इसे हिलाते हुए पकाना है। 1 मिनट के बाद ये सॉस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और काफ़ी गाढ़ी हो गई है और इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर ही। ठंडे होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी और इसे आप अपनी मनचाहे बर्तन में, मनचाहे स्क्वीजी बॉटल में भर के रख लीजिए। इसको आप फ्रिज में रखिए और 1 महीने तक इसके मज़े लीजिए। तो जब भी आप पैनकेक बनाएं, फ्रेंच टोस्ट बनाएं या आइसक्रीम खा रहे हों तो थोड़ी सी ये चॉकलेट सॉस उसके ऊपर ड्रिजल कर दीजिए और देखिए आपके डेजर्ट का, आपके स्वीट डिश का मज़ा किस तरह से दोगुना हो जाता है। तो एंजॉय करिए ये चॉकलेट सॉस अपनी फैमिली के साथ। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।